गाइज पूरब झा का पैरोडी वीडियो लाने वाले हैं ध्रुव राठी पर और थगेश को जो हेट मिल रहा है उस पर उन्होंने रिएक्ट करा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम थगेश के बारे में। आपको पता होगा रिसेंट टाइम में थगेश को कितना ज्यादा हेट मिल रहा है और आपको रजत दलाल का लफड़ा पता होगा, उसी वजह से उनको हेट मिल रहा है और काफी यूट्यूबर्स को हेट मिल रहा है। लेकिन सबसे नंबर वन पर थगेश है जिनको ट्रोल किया जा रहा है हर जगह, क्योंकि उन्होंने कोलैब किया था रजत दलाल के साथ। के बाद रजत दलाल की जब से वो वीडियो वायरल हुई है जिसमें उन्होंने बच्चे को मार और उसके साथ गलत गलत हरकतें की हैं, इस वजह से रजत दलाल को बायकॉट करने का ट्रेंड से चालू हो गया है सोशल मीडिया। तो इसी वजह से लोग थगेश को कह रहे हैं कि तुमने रजत दलाल के साथ कोलैब क्यों किया था, तो उसी पर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। डिफेंड किस बात का भाई, अगर रजत दलाल ने ये चीज की है, जो भी एलिगेशन है अगर वो ट्रू है तो 100% उसको सजा मिलनी चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं, किसी पे भी अगर यूरिनेट किसी ने किया है या गोबर मला है तो बहुत ही इनह्यूमेन चीज है ये। एंड अगर कोई इसको सपोर्ट कर रहा है तो वो भी गलत है। एंड ऑल्सो जब रजत दलाल हमारे चैनल पे आया था तब वो ऑनलाइन फाइट्स पिकअप करता था एंड ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं था उनपे। उनके आए दिन लफड़े होते थे, इसके लिए उनको लफड़ा सेंट्रल नामक शो पे बुलाया। ओके, नाउ जिसका प्योर इंटेंशन था यही सारी चीजें जो आप आज बोल रहे हो वो मैंने 2 महीने पहले फेस टू फेस उनको पूछी, जो कि किसी ने नहीं किया है। मैं एक शो चलाता हूँ, मैं शोज चलाता हूँ फॉर अ लिविंग। ओके, अगर मेरे इतने सारे गेस्ट में से कल को कोई भी गेस्ट जाके कोई क्राइम कर दे, कोई भी गेस्ट जाके किसी का खून कर दे, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी होगी। ऐसे तो न्यूज चैनल पे कितने बड़े बड़े कैसे कैसे लोग आके गए, न्यूज चैनल का गलती हुआ इस हिसाब से। मतलब अगर कल को कोई गेस्ट सीएम बन जाए या बड़ा फिल्म एक्टर बन जाए, उसका क्रेडिट तो मेरे को ही मिलना चाहिए। चलिए अब थगेश की बात हो ही रही है तो थगेश और क्रेजी दीप का भी थोड़ा सा सीन हो गया, क्योंकि क्रेजी दीप ने भी थोड़ा सा ट्रोल किया था और काफी बातें कही थी अपनी वीडियो। थगेश को काफी ज्यादा ट्रोल किया था और काफी बातें कही थी थगेश के बारे में, जो कि आप वीडियो देखना चाहे तो उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसी को लेकर थगेश ने इनडायरेक्टली उस पॉइंट पर भी आवाज उठाई और क्या कहा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सच अगर ये हुआ है तो गलत है, लेकिन एक मिनट, तू और बाकी क्रिएटर्स ने तो मेरे को रजत वाले एपिसोड के बाद मैसेज किया था कि थगेश भाई का एपिसोड बनाया है, रजत दलाल तो परफेक्ट गेस्ट है पहले एपिसोड के लिए, शो का कॉन्सेप्ट कितना मस्त है थगेश भाई, कितना यूनिक है शो का कॉन्सेप्ट। लेकिन जैसे ही रजत अरेस्ट हुआ, रजत दलाल को क्यों बुलाया, गुंडे के साथ कोलैब क्यों किया था, लेकिन जब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ था तुम्हारा तो वो फेवरेट एपिसोड था। चैट डिलीट मत कर, स्क्रीनशॉट है मेरे पास, लेकिन क्या है, बैक स्टैबिंग इज नॉट माई थिंग, तुम्हारा काम है। चलिए अब लफड़े की बात हो ही रही है तो क्या रजत दलाल का दोबारा लफड़ा हो गया, क्योंकि एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रही है सोशल मीडिया पर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आराम से बना। हाँ हाँ बना रहा। गाड़ी लगी किसी के? लगी नहीं है। तू स्पीड में नहीं था वो बोल रहा है, तू स्पीड में था या नहीं? इधर आ। अरे भाई कहाँ गए वो? इधर आ, इधर आ, इधर। अरे तू, तेरे पास से भले आईफोन है, इधर आ, तू एक बार दिखाता हूँ क्या गया। मैडम कितने कितने स्पीड से निकला था ये तुम्हारे पास से? और किसकी गाड़ी को लगी थी? तुम्हारी भाई की गाड़ी को टच की थी ना? गाड़ी कितनी ओवर स्पीड थी? ओवर स्पीड थी और फुल ओवर स्पीड थी ना। अभी गाली भी बोल रहा है ये भाई, गाली भी बोला ना आपको, गाली भी बोला। हाँ बाकी ना, ओके चलो, बोल मुझे भी बोल रहा है ये। चलिए बात करते हैं एक बैड न्यूज के बारे में। गाइज राउंड टू वर्ल्ड आप इनको तो जानते ही होंगे, इनके यूट्यूब चैनल पर 20 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर, इनकी टीम में काफी मेंबर काम करते हैं जो कि राउंड टू वर्ल्ड से भी मिले जुले हैं, वो वहीं के ही है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज निकलकर सामने आ रही है इनको लेकर। ऐसा बताया जा रहा है उनकी टीम का जो एक मेंबर है लकी चौधरी, जी हाँ दोस्तों, उसका इंतकाल हो गया है, उसका कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। पहले मैं भी इस चीज पर बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च करा तो मुझे पता लगा कि उनका सच में ही इंतकाल हो गया है, क्योंकि वो 4-5 लोग थे एक कार में और वो रात को आ रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें रिपोर्ट्स के अनुसार ये बताया जा रहा है कि उसमें 4 लोगों की तभी मौत हो जाती है। और इसी को लेकर जैन सैफी ने भी रिएक्ट करा और अपने इंस्टाग्राम पर लकी चौधरी का फोटो लगाते हुए RIP लिखा, आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं पूरब झा के बारे में। गाइज पूरब झा के ध्रुव राठी पर पैरोडी वीडियो लेकर आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें वो पैरोडी कर रहे हैं ध्रुव राठी की, आप देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेट पर पूरे दिन बकवास करने वाला ये लड़का पूरब झा, इसको लगता है कि ये बहुत ही स्मार्ट है। आइए ग्राफ के तौर पे समझते हैं कि ये कितना बड़ा गंडू है। गाइज ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू।